अस्सलाम वालेकुम। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जब आपको पहले बताया था ये मिडल ऑर्डर नहीं चलने वाला, जब आपको पहले बताया था ये ओपनिंग स्टैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलने वाला, तो रमीज़ हसन साहब आप नींद की गोलियां खा के सो रहे थे। ये कैसी आपने टीम सिलेक्शन की? आवाम यहाँ पे रोले डालती रही कि जी ये टीम सिलेक्शन नहीं ठीक, नहीं ठीक, आप इसको दुरुस्त करें, लेकिन आपके माथे पर जूं तक ना रेंगी। और आप लोगों ने यही बोला कि हम बैक करें इस टीम को और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसा वैसा फलां। आपका नंबर वन जो बैट्समैन है T20I में, वो कैसे खेल रहा है? आपका जो नंबर टू या थ्री, जिसको आप किंग बना के बैठे हैं, वो कैसे खेल रहा है? भाई आपकी ओपनिंग जो जोड़ी है उसी ने आपको फ्लॉप कर दिया। उससे पहले आप जीत रहे थे, उन्हीं की बेस पे जीत रहे थे। क्यों जीत रहे थे? वो ज्यादा बोले खेल के आपको एक बेस बना के दे जाते थे। पीछे से मिडल ऑर्डर आता था, कभी वो चला गया, कभी वो बैठ गया, वो पीछे से नीचे से लोअर ऑर्डर आके कुछ काम कर जाता था। अब जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए, शर्म होती है, शर्म होती है। और हम वर्ल्ड कप खेलने ऐसी टीम के साथ चले गए जिसमें हमने अपना मिडल ऑर्डर ही नहीं सेट किया, हमें पता ही नहीं हमारा मिडल ऑर्डर है क्या। कभी हम चेक कर रहे हैं जी शान को ऊपर करके, कभी हम चेक कर रहे हैं नवाज को ऊपर भेज के, और भाई आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपकी कोई इंटेंट ही नहीं नजर आ रही। आप जिम्बाब्वे से ऐसे ही हार गए हैं। मेरे ख्याल से अब ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि जैसे हालात अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं उस लिहाज से वहां पे कोई एक आधा मैच आपका ऐसा होने वाला है जो कि आपको वाइट वॉश कर देगा, जिसमें कि बारिश आ जाएगी, तो वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये अब तकरीबन वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खत्म हो चुका है। हैदर अली को हम लेके आए, बैक किया उन्हें, लेकिन 30 मैचेस में उनकी कारकर्दगी देख लें, 30 मैचेस में वो सेकंड नंबर पे हैं जो इतने मैचेस लेके 500 रन नहीं कर सके। तो ऐसा आपने मिडल ऑर्डर तैयार किया है। भाई बस अब इस टीम से तौकात हटा दें, फोकस करें अपना जो जो आप कर रहे हैं। ये टीम आपको अब सेमीज में जाती हुई नजर नहीं आ रही, किसी को भी नहीं नजर आ रही, तो लिहाजा अब कोई और टीम आप रख लें, उसको सपोर्ट करें बजाय पाकिस्तान के जलील होने के। और अब टाइम भी है कि रमीज राजा साहब भी गुड बाय हो जाएंगे, ये लग रहा है, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंसेस जब आपको मिलेंगी और जब आपको कौम कह रही है, आपको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं चलने वाला, तो अब उनकी भी तकरीबन छुट्टी कंफर्म है। तो अब आपको किसी और वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।